आज हम डिस्कस करेंगे मिरर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और वो कनकेव मिरर से कितनी दूर रखा हुआ है, 32 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। द इमेज इज रियर इन्वर्टेड एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज। अब उस मिरर के सामने जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी कोई इमेज बनेगी, और वो जो इमेज होगी वो कैसे नेचर की है, वो रियल और इन्वर्टेड नेचर की बन रही है, और उस इमेज का साइज भी आपको गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब आपको कैलकुलेट करके बतानी है फोकल लेंथ कितनी होगी उस मिरर की, एंड फाइंड द पोजिशन वेयर द इमेज इज फॉर्म, की इमेज कहाँ पर बनेगी, कितनी दूर बनेगी मिरर से, वो आपको बताना है। तो देखो अभी आपको क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले आपको गिवन है कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं h से, तो h आपको गिवन है कितना, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको बोला गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने कहाँ रखा है, कनकेव मिरर के सामने, कितनी दूरी पर, 32 सेंटीमीटर की दूरी पर। इट मीन्स u मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 32 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपको बोला गया कि इमेज बन रही है, और इमेज कैसे नेचर की बन रही है, रियल और इन्वर्टेड नेचर की बन रही है, और साइज क्या है इमेज का, 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपको एच डैश की वैल्यू भी दे दी गई है कितनी, 3 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है क्या क्या, एक तो एफ की वैल्यू, फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, दूसरा आपको बोला गया इमेज का डिस्टेंस कि मिरर से इमेज कितनी दूरी पर बनेगी, इट मीन्स वी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो सबसे पहले हम यूज करते हैं साइन कन्वेंशन। आपको पता होना चाहिए कंकेव मिरर कौन सा होता है। कंकेव मिरर ऐसा मिरर होता है जिसमें क्या होगा, जिसकी इनर सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, और आउटर सरफेस क्या हो, पॉलिश्ड हो। ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, कंकेव मिरर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन में सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है कि जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो कहाँ से मेजर किए जाएंगे, इस तरीके से बताया जाता है। ये होगा हमारे पास कनकेव मिरर जिसकी इनर सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, और आउटर सरफेस क्या हो, पॉलिश्ड हो। अब आपको पता है ये लाइन जो होगी ये रिप्रेजेंट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को। इस मिरर का मिड पॉइंट जो होता है उसको आप क्या कहते हो, पोल कहते हो। अब आपको पता है ये किसी एक स्फीयर का पार्ट होगा, और उस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा जिसको आप बोलोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो पॉइंट, जो मिड पॉइंट होता है इस पूरे डिस्टेंस का, सी से पी तक के बीच के डिस्टेंस का मिड पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है, जो इस पूरे डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है वो हाइट हमेशा क्या लेकर चलते हैं, पॉजिटिव लेकर चलते हैं। तो देखो यहाँ पर एच की वैल्यू को हम क्या लेकर चलेंगे, पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अब आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन उसको हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड पे रखा जाता है, और जितने भी डिस्टेंसेस मिरर के लेफ्ट साइड पर होते हैं उन सभी को हम नेगेटिव लेकर चलते हैं, जितने भी डिस्टेंसेस मिरर के राइट साइड पर होते हैं उनको हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, मिरर के लेफ्ट साइड में। मिरर के लेफ्ट साइड में होने की वजह से यहाँ इस डिस्टेंस को, मीन्स ऑब्जेक्ट से पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या लेकर चलेंगे, नेगेटिव लेकर चलेंगे। इट मीन्स यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो आपको बोला गया एच डैश। एच डैश होता है हमारे पास साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज। तो देखो यहाँ पर पहले ही बता दिया गया उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। अब आपको पता है कि अगर इमेज का साइज नेगेटिव आता है तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है रियल और इन्वर्टेड को। तो देखो यहाँ पर एच डैश रियल और इन्वर्टेड इमेज के बारे में बता रहा है। इट मीन्स ये साइन जो होगा वो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, नेगेटिव साइन यूज किया जाएगा, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट के लिए पॉजिटिव साइन यूज होता है। अब आपको फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ और वी की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर हमारे पास मिरर फॉर्मूला तो हम यूज कर नहीं सकते, क्योंकि ना तो हमारे पास एफ की वैल्यू है ना हमारे पास वी की वैल्यू है। अब हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या
होता है m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन h। अब देखो हमारे पास एच डैश की वैल्यू भी है, h की वैल्यू भी है, और इसी को अगर मैं बात करूं इसको v और u की फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, माइनस v डिवाइडेड बाय u। अब देखो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके u को इस साइड ले जाएं, अभी u डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, v इज इक्वल टू नेगेटिव साइन भी उधर गया माइनस यू मल्टीप्लाई एच डैश अपॉन एच। अगर इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे पास यू की वैल्यू भी है, एच डैश की वैल्यू भी है, एच की वैल्यू भी है, सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आपके पास बी की वैल्यू आ जाती है उसके बाद आप क्या करोगे, मिरर फॉर्मूला यूज करोगे, यू की वैल्यू आपके पास है, बी की वैल्यू आपके पास है, आप फाइंड आउट कर सकते हो फोकल लेंथ को। तो v की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन h, और अगर v और u की टर्म में लिखूं तो माइनस v डिवाइडेड बाय u। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v की वैल्यू, v के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास माइनस u मल्टीप्लाई में h डैश अपॉन h। वैल्यूज को पुट करते हैं, u की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस 32 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में एच डैश, एच डैश की वैल्यू आपके पास कितनी है माइनस 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एच, एच की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 सेंटीमीटर। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 48 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास इमेज का डिस्टेंस आ गया कि मिरर से इमेज का डिस्टेंस कितना होगा 48 सेंटीमीटर होगा। अब हमें पता है नेगेटिव साइन किसको बताता है, अब मिरर के लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं और मिरर के राइट साइड के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आई है, नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि जो इमेज होगी वो भी उसी साइड बन रही होगी जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, मीन्स लेफ्ट साइड पे बन रही होगी। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली हम क्या यूज कर सकते हैं, मिरर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। अब जो भी वैल्यूज है उनको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो देखो 1/f इज इक्वल टू 1/b, बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की माइनस 48, नेगेटिव साइन क्योंकि u की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 32, हमने वैल्यूज को पुट किया। इसके बाद इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 1/f इज इक्वल टू एलसीएम आएगा हमारे पास 96 माइनस 2 माइनस 3। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 5 डिवाइडेड बाय 96। अब देखो इसको सोल्व करते हैं कि वैल्यू हमारे पास आई माइनस 19.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर फोकल लेंथ नेगेटिव आने का मतलब क्या है, अब हमें अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन सारे रूल्स पता है कि जो भी डिस्टेंस मिरर के लेफ्ट साइड में होते हैं उन सभी डिस्टेंसेस को हम क्या लेकर चलते हैं नेगेटिव लेकर चलते हैं, और जो भी डिस्टेंस मिरर के राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं उन सभी को हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं। यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि जो फोकल लेंथ है वो डिस्टेंस कहाँ पर है, मिरर के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, इस वजह से फोकल लेंथ की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है नेगेटिव आई है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, हमें आप गिवन था ऑब्जेक्ट का हाइट पता थी हमें, उसके बाद डिस्टेंस पता था कि कंकेव मिरर से कितनी दूरी पर रखा गया है 32 सेंटीमीटर दूर उस ऑब्जेक्ट को रखा, उससे जो इमेज बनी वो कैसे नेचर की थी, रियल और इन्वर्टेड नेचर की थी, और कितने साइज की थी 3 सेंटीमीटर के साइज की थी, फोकल लेंथ और आपको बी की वैल्यू मीन्स ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज का डिस्टेंस आपको बताना था कि कितनी दूरी पर इमेज बनेगी। एच की वैल्यू हमें पहले से पता थी 2 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू 32, एच डैश की वैल्यू मीन्स इमेज की हाइट आपको पता थी 3 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन यूज किया, अब हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की सारी हाइट क्या होती है पॉजिटिव होती है, और जो भी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, इसलिए इसको हम क्या लेकर चलेंगे नेगेटिव लेकर चलेंगे क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की सारी हाइट क्या होती है नेगेटिव होती है। U की वैल्यू को हमने लिया नेगेटिव, क्यों लिया क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं और मिरर के राइट साइड के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, इसलिए U की वैल्यू को हम नेगेटिव लेकर चलेंगे। सबसे पहले हमने V की वैल्यू को फाइंड आउट किया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज किया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h/h, V और U की फॉर्म में लिखे तो m इज इक्वल टू माइनस v डिवाइडेड बाय u। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने बी की वैल्यू को फाइंड आउट किया, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई माइनस 48 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बी की वैल्यू भी है,
की वैल्यू भी है, f की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो हम यूज कर लेते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमने यूज किया, वैल्यूज को पुट किया, सोल्व किया, तो हमारे पास f की वैल्यू कितनी आई, -19.2 सेंटीमीटर। और ये नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या है, आपको पता है कनकेव मिरर में फोकल लेंथ को हम क्या लेकर चलते हैं, नेगेटिव लेकर चलते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ कहाँ प्रेजेंट होती है, मिरर के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होती है। तो f की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि कनकेव मिरर हम यूज कर रहे हैं और जो ये डिस्टेंस है, फोकल लेंथ जो है वो मिरर के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, इस वजह से f की वैल्यू नेगेटिव आई है। इसी तरीके से v की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस भी जो है ये भी कहां पर है, मिरर के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, इसीलिए v की वैल्यू भी क्या आई हमारे पास, नेगेटिव।